अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने वाले हैं पाए बकरे के। ये दो बकरों के पाए हैं, इसको मैंने अच्छे से धोकर और इसमें 8 से 10 काली मिर्च, एक फूल बादियान चक्रफूल जिसे कहते हैं, और एक सिनेमन स्टिक का छोटा सा टुकड़ा और नमक डालकर मैंने इसको कम से कम 8 से 10 सीटी लगा ली है। तो इसको मैंने तैयार करके उबाल कर रख लिया है। और ये मैंने 3 बड़े साइज के प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और 1/3 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है, 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर है, ये 1 बड़ा चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है, ये 1 नींबू लिया मैंने और 1 हरी मिर्ची ली है। इसकी जगह आप मोटी वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। और ये 2 लाइन कटी हुई अदरक है थोड़ी सी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने ये 1 तेज पत्ता लिया था बड़ा, इसको मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं, 7 से 8 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है काली इलायची, और 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं छोटे छोटे, 3 से 4 हरी इलायची हैं, 3 से 4 लौंग हैं, और 1 बादियान का फूल है। और ये जो मैंने पाए उबाले थे उसमें का पानी है, इसको हम उसी में यूज करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, इसमें आधा रिफाइंड ऑयल है और आधा मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो खालिस घी में भी बना सकते हैं और खालिस तेल में भी बना सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले खड़े मसाले, काली इलायची और ये 7 से 8 काली मिर्च है साबुत, ये भी डाल देंगे, और ये हरी इलायची है, लौंग, और ये 3 तेज पत्ते, और ये 1 बादियान का फूल, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से तेल में आ जाए। ये मसाले हमारे पक गए हैं, इसमें हम डाल देंगे प्याज, खाली घी में बनाएंगे तो इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो हम ब्राउन कलर होने तक फ्लैट को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हमारे लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए प्याज लहसुन अदरक हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम पीसे मसाले डाल देंगे अपने, इसको भी हम भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं, प्याज भी हमारी गल जाए। इसको हम पानी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए मसाला हमारा भून रहा है अच्छी तरह से, और पाए उबालने में भी मैंने नमक डाला था तो इसमें हम मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे। इसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम और ऐड कर देंगे ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच से कम नमक डाला है, इसको हम भून लेंगे अच्छे से ताकि ये प्याज हमारी गल जाए। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम ये उबले हुए पाए डालेंगे, ये 2 बकरे के पाए हैं, इसको डालकर हम मसालों में अच्छी तरह से भूनेंगे। चार से पांच मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे कम आंच पर। देखिए पाए हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, एकदम गल भी चुके हैं, हड्डी छोड़ दी है। अब ये हम डाल देंगे गरम मसाला, और ये जो पाए उबालने में से पानी निकला था ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें सीटी अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अब बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसमें हम बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और 5 मिनट के लिए स्लो हीट पर पकाएंगे। ग्रेवी भी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती,
इसको बस हम हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट स्लो हीट पर पकाने के बाद इसको मैंने गैस बंद कर दी थी, ये अब एकदम तैयार हो चुका है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए पाए हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसको हमने अपनी प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम कटे हुए हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, जोड़ों के दर्द के लिए, ताकत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका सूप भी बनाकर पी सकते हैं। हम डालेंगे कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें। तो फिर ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने कमेंट भी हमें जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।